तो इस वीडियो में हम आपको इस्कॉन टेंपल के बारे में बताने वाले हैं, और इस वीडियो को हमने दिवाली 2024 से 4 से 5 दिन पहले शूट किया है। इस्कॉन टेंपल, या इसे बलराम मंदिर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेज ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे राधा कृष्ण नाम जपते हैं। तो इस्कॉन टेम्पल आने के लिए आपको वृंदावन में जहाँ पे भी हैं आप, वहाँ से आप बैटरी रिक्शा या कोई भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको इस्कॉन टेम्पल उतार दें। इस्कॉन टेम्पल उतारने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट दिखेगी एंड वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, और मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको अंग्रेज लोग भजन करते हुए, नाम जप करते हुए दिखेंगे। तो ये रहा इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, बहुत ही प्यारा मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ आने के लिए आप अपने जूते चप्पल या तो आप अपने होटल में उतार दीजिए, वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है, या आप यहाँ पे भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बने हुए हैं रैक्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं, अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ है। तो जब आप इस्कॉन टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखेंगी जो ऊपर की ओर जाएगी। इसके अंदर जो बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। ढेर सारी अनेकों मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, किन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और जब आप और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भजन वगैरह होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ में कि राधा कृष्ण बोलते हैं, जो फॉरेन के लोग यहाँ पे सिंगर जो हैं गाते हैं, भजन करते हैं, तो वो लोग भी दिखेंगे। कुछ मंदिर भी दिखेगा आपको, बहुत लोग आपको दिया जलाते हुए दिखेंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग दिया वगैरह जलाते हैं। तो दिया मिल जाता है आपको बाहर से ही, बाहर से आप दिया ले सकते हैं और जला सकते हैं। सीढ़ियों के पास भी आपको बहुत सारे लोग भजन सुनते हुए दिखाई देंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग होती है। जी हाँ, यहाँ पर ना आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे, जो भी शूट अंदर चल रहा होता है, जो भी भजन चल रहा होता है, आरती चल रही होती है, उसको यहाँ पे लाइव दिखाया जाता है, एडिटिंग होती है यहाँ पे। सो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आप रह करके आपका खाने पीने में कितना खर्चा होने वाला है, आपका कितना पैसा जाने वाला है खाने में, और कैसा टेस्ट होने वाला है। तो बने रहिएगा।